हेलो फ्रेंड्स, इन माय फर्स्ट वीडियो आई टोल्ड यू हाउ टू इंटरेक्ट विद द पीपल। हम लोगों से मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, बोलते हैं हाउ आर यू डूइंग, हाउ डू यू डू, हाउडी। इसी तरह से जब हम लोगों से मिलते हैं बोलते हैं हाउ आर यू सर, आप कैसे हैं। उनके काम के बारे में भी पूछ लेते हैं, और भैया आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपका जॉब कैसा चल रहा है। बच्चा होता है कोई छोटा तो उसे बोलते हैं और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी, हाउ इज योर स्टडी, हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, हाउ इज योर बिजनेस गोइंग ऑन। और आपकी दुकान, कोई बंदा दुकान चलाता है तो उससे बोल सकते हैं शॉप, आपकी शॉप कैसी चल रही है, हाउ इज योर शॉप गोइंग ऑन, आपकी शॉप कैसी, हाउ इज योर शॉप। या फिर हमें किसी के बारे में पता होता है कि उसके फादर की तबीयत खराब है तो हम उससे उसके हालचाल पूछते हैं, तो हमें उसके फादर के बारे में पूछना चाहिए, हाउ इज योर फादर, आपके फादर कैसे, हाउ इज योर फादर, आपकी फैमिली में सब लोग कैसे, हाउ इज एवरीबडी एट होम। तो हालचाल पूछने के बाद काम के बारे में, जैसे कोई प्रैक्टिस करता है तो उससे बोल सकते हैं हाउ इज योर प्रैक्टिस, भैया आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है, हाउ इज योर प्रैक्टिस। कुछ लोग ऐसे होते हैं काफ़ी दिनों बाद आपसे मिलते हैं, तो हम लोग मिल जाते हैं बोलते हैं और भैया बड़े दिनों बाद दिखाई दिए, और कैसे हो, हाउ आर यू, और भैया कैसी कट रही है आजकल। तो यहाँ पे कट रही का मतलब क्या होता है, कट रही का मतलब है कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, क्योंकि लाइफ में हमेशा बदलाव होता रहता है। हमें पहले मिला था जब लाइफ कुछ और होती है, अभी लाइफ कैसी चल रही है। तो हम लोगों से काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं तो बोलते हैं और भैया कैसे हो, बढ़िया, हाउ आर यू, कैसे हो, और कैसी कट रही है आपकी, हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग ऑन, या सिंपल हाउ इज़ योर लाइफ। अब इसका जवाब क्या होना चाहिए, कोई हमसे पूछे आपकी दुकान, हाउ इज़ योर शॉप, हाउ इज़ योर बिजनेस, हाउ इज़ योर जॉब, एक सिंपल सा आंसर दे सकते हैं, इट इज़ डूइंग वेल। क्योंकि आप ये तो नहीं बताओगे कि गलत चल रही है, ख़राब चल रही है, या बहुत परेशानी हो, कोई अपनी परेशानी नहीं बताता। फॉर्मली कैजुअली लोग बोल देते हैं इट इज़ डूइंग वेल, तो आप ये कॉमन आंसर कहीं भी दे सकते हैं, इट इज़ डूइंग वेल। या आपको बोलना है कि बेहतर हो गई है पहले से, पहले से अच्छा होता जा रहा है, तो बोलेंगे इट इज़ गेटिंग अलोंग फाइन, इट इज़ गेटिंग अलोंग फाइन, अब पहले से बेहतर है, इट इज़ गेटिंग अलोंग फाइन। या फिर कुछ लोग कभी कभी किसी की लाइफ के बारे में बोलते हैं और भैया कैसी कट रही है, तो कुछ लोग मजाक में भी बोल देते हैं बस भैया खदेड़ रही है, चल रही है, धक्का मार के चल रही है, धक्का दो। तो इट इज़ ड्रैगिंग ऑन, इट इज़ ड्रैगिंग ऑन, ड्रैग का मतलब होता है खदेड़ना, तो खदेड़ खदेड़ के धक्का मार के चल रही है, इट इज़ ड्रैगिंग ऑन, बढ़िया है, मज़े में कट रही है, इट इज़ फैंटास्टिक, ठीक ठाक है यार, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, इट इज़ सो सो, इट इज़ सो सो, सो सो मतलब 50-50, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, ज़्यादा बुरी भी नहीं है, कुछ ही परफेक्ट है, इट इज़ परफेक्ट, बढ़िया है बिल्कुल, इट इज़ परफेक्ट। कोई चीज़ों के बारे में भी हम लोग बोल सकते हैं, किसी मेहमान को हम लोग कॉफ़ी पिलाते हैं तो बोलते हैं हाउ इज़ द कॉफ़ी, हाउ इज़ द टी, चाय कैसी, हाउ इज़ द टी, पिक्चर देखा है, हाउ इज़ द मूवी, कैसी है मूवी। अब आपको किसी की चीज़ का टेस्ट बताना है कि सही है यार, टेस्टी है, किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं तो बोलते हैं इट। जैसे मुझे अपने बारे में कुछ बोलना होता है तो मैं बोलूँगा आई, भाई मैं अपने बारे में बताऊँ आई एम टीचर, आई एम डॉक्टर, इसके बारे में बोलूँगा तो बोलूँगा ही इज़ कमिंग, शी इज़ कमिंग, शी के बारे में, यू के बारे में आपको बोलना है तो यू बोलेंगे आई, सामने वाले के बारे में बोलेंगे यू, और थर्ड पर्सन है कोई ही, फीमेल है कोई शी, एक से ज़्यादा है दे, हम सभी वी, तो मुझे हमारे बारे वी के वी बोलूँगा, वी, अपने बारे में बोलूँगा आई यू। ऐसी किसी चीज़ के बारे में बोलना है, कोई भी बात बतानी है आपको चीज़ के बारे में, इट से बताएंगे इट, जैसे आपको लगा ये बहुत टेस्टी है, इट इज़ टेस्टी, ये बहुत कड़वा है यार, इट इज़ बिटर, स्पाइसी है, इट इज़ स्पाइसी, ऑयली ज़्यादा कर दिया, इट इज़ ऑयली, यार बहुत महंगा है यार, कैसा लगा यार, बहुत महंगा, इट इज़ कॉस्टली, बहुत महंगा, इट इज़ कॉस्टली। तो किसी भी चीज़, नॉन लिविंग चीज़ के बारे में बात करेंगे तो इट से करते, कोई क्वालिटी बतानी है आपको या कुछ बात बतानी है उसके बारे में, इट से। कभी कभी कुछ लोग आपसे टाइम भी पूछते हैं तो टाइम को भी हम इट से बताएंगे, इट से हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में कुछ बताना है, और अगर आपको टाइम बताना है वो भी इट से बताएंगे। कोई आपसे पूछता है व्हाट इज़ द टाइम, तो आप इट से बताएंगे, इट इज़ 9 o'clock, इट इज़ 9:30, इट इज़ 9:30, इट इज़ 4:15, इट से बताएंगे टाइम को। अगर दिन बताना है आपको, व्हाट इज़ द डे, आज डे क्या, इट इज़ मंडे। अगर आपको डेट बतानी है सो इट इज़ 24th of March 2020, वो भी टाइम में आता है, डेट, डे, क्लॉक टाइम। साल बतानी है, ईयर बताना है आपको, इट इज़ 2020,
नॉन लिविंग थिंग्स टाइम बताना, इट से बताएंगे, एक और चीज़ इट से बताएंगे वेदर, मौसम के बारे में। कोई बोलता है भाई और मौसम कैसा चल रहा है, हाउ इज़ द वेदर टुडे, आज का मौसम कैसा है, तो आज तो हमारे यहाँ ठंड पड़ रही है, इट इज़ कोल्ड, इट इज़ हॉट। अगर आपको लगता है धूप निकल रही है, सन, धूप को सन बोलते हैं, सन 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 मौसम हो रहा है सनी, क्लाउड क्लाउड हो रहा है क्लाउडी, इट इज़ क्लाउडी, इट इज़ सनी, हवा ज़्यादा चली, इट इज़ विंडी, फॉग हो रहा है, फॉग फॉग फॉग, कोहरा दिखाई दे रहा है, इट इज़ फॉगी। तो इट से बात करेंगे हम लोग तीन चीज़ों के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स, टाइम एंड वेदर। तो अगर हमसे कोई पूछता है और भैया ये कैसा है, हाउ इज़ द टी, हाउ इज़ द कॉफ़ी, इट से बोलेंगे इट इज़ टेस्टी, बढ़िया बनाया, इट इज़ टेस्टी, परफेक्ट, फैंटास्टिक, इट इज़ फैंटास्टिक। लोगों से उनके काम के बारे में पूछेंगे, हाउ इज़ द जॉब, हाउ इज़ योर बिजनेस, हाउ इज़ योर लाइफ, तो बंदा बोलेगा बढ़िया, इट इज़ फैंटास्टिक, बढ़िया चल रहा है, मज़े में कट रही है यार। अब आपको सेम क्वेश्चन जो वो पूछेगा तो आप भी वो भी आपसे पूछेगा, रिपीट करेगा क्वेश्चन को, आपने पूछा हाउ इज़ योर लाइफ, हाउ इज़ योर बिजनेस, तो सेम क्वेश्चन रिपीट मारते हैं तो बोलते हैं व्हाट अबाउट यू। आप उसने बता दिया, अब वो आपके बारे में पूछेगा तो बोले व्हाट अबाउट यू, या बोलेंगे हाउ अबाउट यू, ये हाउ अबाउट यू और व्हाट, हाउ अबाउट यू से व्हाट अबाउट यू ज़्यादा फॉर्मल होता है, बेहतर होगा कि आप व्हाट अबाउट यू का यूज़ करें। कुछ लोग हाउ अबाउट यू भी बोलते हैं, वो भी बोल सकते हैं आप, व्हाट अबाउट यू ज़्यादा फॉर्मल है। सो अपने बारे में कोई बात बताने के बाद सेम क्वेश्चन रिपीट मारना है। जैसे मैंने बोला मेरे दो भाई हैं, तो आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं, और सेम क्वेश्चन पूछना है आपके कितने, सो व्हाट अबाउट यू। भाई अगर मुझे पूछना है आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, मैंने बोला आई लिव इन आगरा, एट, इन बोलेंगे बड़ी चीज़ के लिए, उसमें छोटा कोई जगह बताना है एट, सो आई लिव इन आगरा एट ताजगंज, आई लिव इन आगरा एट, जहाँ भी आप आगरा में रहते हैं एट करके बता सकते हैं उसको। अब मैंने अपने बारे में बताया मैं यहाँ रहता हूँ, और सेम क्वेश्चन रिपीट मारना है मुझे तो बोलूँगा व्हाट अबाउट यू। कोई हमसे पूछता है कि आपको कौन सा हीरो, कौन सा स्वीट अच्छा लगता है, ये पूछते रहते हैं हम लोग, आपको कौन सा स्वीट अच्छा लगता है, सो मैंने बोला भाई मुझे आई लाइक रसमलाई, व्हाट अबाउट यू, आप बताइए अपने बारे में आपको कौन सा अच्छा लगता है, सेम क्वेश्चन रिपीट मारा है। व्हाट और विच में क्या अंतर होता है, जैसे हमने किसी से क्वेश्चन पूछा आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है, तो जब हमारे पास कोई कलर का लिस्ट नहीं है, मतलब हमारे पास काउंट करने के लिए कलर नहीं है, तो हम बोलेंगे व्हाट कलर डू यू लाइक, क्योंकि हमारे पास कलर्स की कोई लिस्ट नहीं है, लेकिन हम कहीं शॉपिंग करते हैं या कहीं जाते हैं तो हमारे पास कलर की लिस्ट होती है, और जैसे हमारे पास कलर है रेड है, ब्लू है, पिंक है, अब इनमें से कोई पूछ रहा है कि कौन सा कलर अच्छा लग रहा है आपको, तो बोलेंगे विच कलर, विच का मतलब सिंपली होता है चॉइस, जब हम चॉइस पूछते हैं तो बोलेंगे विच, तो क्योंकि आपके पास लिस्ट है और लिस्ट में से आप पूछ रहे हो विच कलर डू यू लाइक। जब हम लोग बच्चों के साथ रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पर बच्चों को आइसक्रीम खिलाते हैं तो उन्हें मेन्यू दिखाकर बोलते हैं कि बेटा कौन सा आइसक्रीम चाहिए आपको, तो आइसक्रीम की वहाँ पर लिस्ट है, तो लिस्ट में से पूछ रहे हैं आप, चॉइस पूछ रहे हैं, तो बोलेंगे विच आइसक्रीम डू यू वॉन्ट। तो जब हम चॉइस में से पूछते हैं विच, जब हमारे पास कलर की कोई लिस्ट नहीं है तो बोलेंगे व्हाट कलर डू यू लाइक, आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है, बट इनमें से कौन सा अच्छा लगता है तो बोलेंगे विच। कुछ चीज़ें हमारे सामने पड़ी हुई हैं, बोलेंगे कौन सा अच्छा लग रहा है इसमें से, सो विच वन इज़ बेटर, विच वन इज़ बेटर, क्योंकि आप चॉइस पूछ रहे हैं विच। आपके फादर बोलते हैं कि बेटा ज़रा मेरा शर्ट ले आना, ब्रिंग माई शर्ट, तो पापा के पास जो शर्ट है वो काउंट कर सकते हैं आप, उनकी एक लिस्ट है, तो आप पूछें पापा कौन सी वाली, विच वन, तो फादर बोलेंगे रेड वन, ब्लू वन, वाइट वन, आप पूछेंगे विच वन, क्योंकि आप चॉइस पूछ रहे हैं। तो ऐसे ही आपको कौन सा आइसक्रीम अच्छा लगता है, आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है, अपने बारे में कुछ बताने के बाद सेम क्वेश्चन रिपीट मारेंगे व्हाट अबाउट। ऐसे कोई आपसे मिले और बोले और भैया कैसा चल रहा है, लाइफ कैसी कट रही है, हाउज योर लाइफ, हाउज योर बिजनेस, तो अपने बारे में आंसर देने के बाद आप क्वेश्चन रिपीट, सेम क्वेश्चन रिपीट मार रहे हैं व्हाट अबाउट यू, तो आप आंसर दे सकते हैं सेम ईयर, मेरी भी लाइफ ऐसी है जैसी आपकी है, सेम ईयर। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगली क्लास में मैं आपको कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस बताऊंगा जिसे आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए झिझक को, हेजिटेशन को ख़त्म करना ज़रूरी है।
सो अभी ये हमने केवल इंट्रेशन सीखा है दो क्लासेस में, दो वीडियोस में। आगे चलकर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सिंपल प्रैक्टिसेस, जिसे आप अपने घर पर बैठ के कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू। थैंक यू सो मच गाइस।